पीएम मोदी जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का प्रदेश अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी को नियुक्त करने पर व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर के तिलक कॉलोनी स्थित उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय पर व्यापारियों ने संदीप अग्रवाल सोनी का जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का प्रदेश अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी को नियुक्त किया गया है। वहीं इस नियुक्त होने पर व्यापारियों ने उनका फूल माला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं संदीप अग्रवाल सोनी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गरीब तबके तक प्रधानमंत्री जी की योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। वहीं अब आइए सुनते हैं संदीप अग्रवाल सोनी और क्या कह रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मिशन है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभियान। इसके तहत पूरे देश में हमें आम जनता को, व्यापारी समाज को, ऐसे गरीब व्यक्तियों को, जनमानस को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की 150 लगभग योजनाएं चल रही हैं कल्याणकारी, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूँ, माननीय प्रदेश के और पूरी राष्ट्रीय कमेटी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने गरीबों की सेवा करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है इसका लाभ जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो मुझे मौका दिया है, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में दौरे करके माननीय प्रधानमंत्री की इस योजना को सकारात्मक रूप तक पहुँचाना है। प्रत्येक गाँव तक, प्रत्येक देहात तक, प्रत्येक कस्बे तक, प्रत्येक तहसील तक इस योजना का लाभ फिर आम जनता को और गरीब व्यक्ति को, आम जनमानस को लाभान्वित कराना है। स्वागत किसने और क्यों किया? आज माननीय हमारे सभी व्यापार मंडल के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, कन्हैया लाल पडवा जी हैं, शैलबिंदर भाई, मोहम्मद रफ़ी भाई, नईम भाई, बासिक भाई, ये सब लोगों ने आज स्वागत किया है क्योंकि प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर इनका मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और इन लोगों ने ये वायदा मुझसे मांगा है कि रामपुर की चीनी मिल शुरू कराई जाए और यहाँ पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। मैं रामपुर जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी, जहाँ तक भी रोज़गार के अवसर हो सकते हैं, अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगे रहेंगे। प्रदेश के, देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी कर्मठता के साथ प्रदेश में उद्योग व्यापार बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमें उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाकर, उनके मिशन में 4 चांद लगाने हैं, उनके ही मिशन को आगे बढ़ाकर पूरे प्रदेश में अर्थव्यवस्था सुधारनी है और व्यापार और उद्योग को बढ़ाकर गरीबी को और बेरोजगारी को पूर्ण रूप से सांप